नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा जो कि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में निरसन विधेयक लाया जाएगा, इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। बहुत महत्वपूर्ण, जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा, ताकि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं किसी की सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 2004 से लागू होगा ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। विधानसभा में संबंधी अब रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। स्टैंडर्ड की राइजिंग टैली के मुताबिक 2023 के जून महीने तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आंकी गई है। असम 33% के साथ पहले और बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर आया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड प्रदेश देश में रोजगार देने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है। प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार की दृष्टि से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं सत्र के पहले दिन ही अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों ने सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। बता दें कि विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाना है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। 5 तारीख से 8 तारीख तक जो विधानसभा सत्र देहरादून में हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें हम लोग अनुपूरक बजट लाने का अभी तक निर्णय हम लोगों ने लिया है। और आप जानते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र हुआ उसके बाद देहरादून में सत्र हो रहा है, ये बात ठीक है कि उसमें बहुत से हमारे प्रश्न आए हैं, तो हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, ये सत्र हमारा ठीक ठाक हो, कामकाजी बजट के साथ ये हमारा सत्र हो, इसमें मैं विपक्ष के तमाम साथियों से। उधर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर बयान देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जो भी पारंपरिक व्यवस्था आज तक होती रही है वैसी ही व्यवस्था इस बार भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही डीजीपी ने अपील की कि जो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं वो अपना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करें और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के धरने प्रदर्शन से आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हमारी ओर से सत्र की जो पूर्वत व्यवस्थाएं की जाती रही है वैसी व्यवस्था की जा रही है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हमारी ओर से पारंपरिक रूप से होता रहा है वही व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मैं बाकी सभी लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आंदोलन आदि की योजना बनाते हैं धरना प्रदर्शन की, कि कृपया करके अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रखें और प्रयास करें कि लोगों को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की 29वीं वर्षी के मौके पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में गोलीकांड से शहीद हुए राज आंदोलनकारी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद आंदोलनकारियों की पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को सच करने वाले उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें।
और हम इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम राज्य निर्माण के लिए अपनी आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित कर पा रहे हैं। अपने कालखंड में स्थापित किया, हम सबको राज्य दिया और देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को मैं याद करना चाहता हूँ जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को लगाया, उन्होंने एक मौका। मैं सबसे पहले जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी है और हमारे देहरादून में शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इंदिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की धीमी कार्यप्रणाली पर उन्होंने नाराजगी जताई। मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। क्योंकि जितना भी इसके अपस्ट्रीम में जो भी फ्लड आता है या कोई क्लाउड बस्ट होता है जिसके कारण बहुत मात्रा में अगर कोई हमारे पास डिस्चार्ज होता है, इन्फ्यूज आते हैं, तो हम इसी रिजर्वायर में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 260 मीटर का एक डैम है और जिसका कि हम 90 मीटर का फ्लक्चुएशन इस डैम में होता है और अभी क्योंकि रिजर्वायर के लेवल्स इस साल पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बढ़े हैं, पहले बढ़ गए हैं, तो हमने अपनी चारों मशीनों को फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। कल भी मेरे को जो हमारे ग्रिड से एक पत्र आया था कि आप हमको सपोर्ट करिए पावर जनरेशन में, तो हमने तुरंत ही अपने चारों मशीनों को फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कराना शुरू कर दिया है और हम करीब करीब 24 मिलियन यूनिट बिजली बना रहे हैं एक दिन में और ग्रिड को 1000 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध की झील का जलस्तर 824 आरएल मीटर हो गया है। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार से 830 आरएल मीटर टिहरी बाल की झील की भरने से अनुमति मिली हुई है। अब टिहरी बांध की झील 830 आरएल मीटर भरने के लिए 6 आरएल मीटर बना हुआ है। टिहरी लोग भरी होने के चलते टिहरी बांध की चारों पाइपलाइन चलाई जा रही है। इन चारों मशीनों से जो बिजली पैदा हो रही है उसमें 9 राज्यों की डिमांड के अनुसार दी जा रही है। टिहरी झील के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए टिहरी बांध परियोजनाओं के अधिकारी खुश नजर आ रहे हैं कि समय से पहले झील का जलस्तर बढ़ा है और अच्छी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जो देश के लिए अच्छा संकेत है। जैसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लेकिन लगातार उनके अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी मैंने भी उनको एक पत्र दिया था। माननीय हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने भी लगातार और माननीय मंत्री जी भी इस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर चिंतित हैं और हम भी लगातार जो है जो अधिकारी हैं, लेकिन बरसात की वजह से जैसे ही अब ये बरसात ख़त्म होगी तो हमारा लक्ष्य है कि नवम्बर तक ये सारे काम कम्प्लीट हो जाएँ, जो खुदाई वाले हैं, सड़क वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न भागों में डेंगू का प्रकोप दिखाई दे रहा है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है तो इस मामले पर राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग आवश्यक जो प्रबंध हैं उनमें लगा हुआ है। जहां पर बेड की संख्या अस्पतालों में बढ़ाई गई है वहीं पर जो दवाएं हैं उनकी भी पूरी। डेंगू के डंक से राजधानी देहरादून में हर आदमी परेशान है। आए दिन जो है डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं, अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है डेंगू के मरीजों से पटे पड़े हैं। सरकार बहुत देर से जाग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से सरकार को चेता रही थी क्योंकि हम पहले भी डेंगू के डंक को झेल चुके हैं, शहरवासी पहले भी हलकान हो चुके हैं, फिर सरकार ने डेंगू की समस्या को समझने में देर। रामनगर में रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ विभिन्न सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठनों के अलावा पीड़ित दुकानदारों की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। इस दौरान दुकानदारों ने कल यानी शनिवार को रामनगर बंद करने का निर्णय लिया। जानकारी के लिए बता दें कि सर्वदलीय बैठक लखनपुर चुंगी में आयोजित की गई। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, जो लंबे समय से अपना रोजगार कर रहे हैं, ये सरकार सब लोगों के रोजगार छीन रही है। जो लोग पकौड़े भी बना रहे थे उनके भी रोजगार छीन दिए हैं और जो लोग प्रभावित लोग हैं
वो विधायक जी के पास जा रहे हैं, वो सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार कहती थी कानून कोर्ट का मामला है, हम कहना चाहते हैं कोर्ट में सरकार ने पैरवी करी है। सरकार का वकील वहाँ पर जाता है और DFO की तानाशाही इस तरह से है कि वो 28 तारीख को नोटिस देता है और 23 तारीख को नोटिस देता है, 28 तारीख को जब लोगों को बुलाते हैं तो उनको खाली करने का मौका देता है। तो ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। हमने ये उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर तानाशाही नहीं है और ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर तानाशाही चलाना चाह रही है, बुलडोजर राज स्थापित करना चाहती है। हम नहीं होने देंगे उसको और लोगों ने निर्णय लिया है कि कल हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कल हम लोगों से बाजार बंद, हाथ जोड़ करके बाजार बंद की अपील करेंगे और जरूरत पड़ी तो मानव श्रृंखला बना करके इनके बुलडोजर। नगर निगम रेस्क्यू बढ़ाने के लिए लगातार डिफॉल्टर लोगों पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब नगर निगम माली बस्तियों पर भी टैक्स लगाने के लिए तैयार है। मेयर सुनील उनियाल का कहना है कि मलिन बस्तियों की मांग थी कि उनकी नगर निगम में शामिल किया जाए और उन बस्ती में टैक्स लगाया जाए, जिसको देखते हुए हमने टैक्स लगाने का फैसला लिया है और जल्द ही हम एक प्लान तैयार करेंगे और अलग अलग वार्ड में टैक्स वसूल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो टैक्स बकायेदार हैं उनके लगातार हमारी ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं, यदि नोटिस देने के बाद भी वो टैक्स जमा नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम जो है हमने पूरा चार्ट तैयार कर लिया है और उसके लिए भी एक दो दिन में हम इसको डेट तय कर लेंगे, कौन कौन सी डेट में हम कहाँ कहाँ जो है टैक्स जो है, जो मलिन बस्तियों के टैक्स जो बड़े लंबे समय से मलिन बस्ती वालों की मांग थी, उसको भी बहुत जल्दी जो है उसका शुरुआत करने वाले हैं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।